तो हाय दोस्तों, आज हम आए हैं ब्रिटिश आर्ट फाउंडेशन वॉल्वरहैम्पटन में और यहाँ पर थ्रिफ्टेड होम डेकोर और गुड्स मिलते हैं और ये सेल पे रहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टाइम। तो इधर जो भी आप लेते हो तो ये डायरेक्टली ब्रिटिश आर्ट फाउंडेशन में जाता है, जो कि एक रेज होता है हार्ट पेशेंट्स के लिए और वो बहुत ही हम सपोर्ट करते हैं एक्चुअली एक पैसा देने के लिए, तो इसमें एक बहुत योगदान भी होता है। तो इससे हमको ज़रूर ऐसे शॉप में जाके लेना चाहिए। तो आप देख सकते हैं बहुत से सेंटर टेबल्स भी है इधर और वार्डरोब्स भी थे और सोफ़ाज भी थे, 5 सीटर्स 7 सीटर्स। ये रेक्टेंगल टाइप लिविंग रूम में रखने के लिए सेंटर टेबल है। ये सोफ़ा भी अलग अलग होते हैं, ये आप देख सकते हैं, ये प्राइस कम करके भी इधर रखे हुए होते हैं। तो ये अच्छा है वॉल्वरहैम्पटन में और बहुत से जगह पे होते। तो ये उनका ग्राउंड फ्लोर पे और एक स्टोरी है, इधर बेड्स रखे हुए हैं और मिरर्स रखे हुए हैं छोटे छोटे। ये बेड्स के साइड में जो साइड में एक साइड टेबल्स होते हैं वो भी रखे हुए होते, मिरर्स देख लीजिए आप, इसको तो पहचानते होंगे आप। तो ये मिरर्स है, छोटे छोटे बेड्स बहुत से होते, बेड्स फोल्डेबल्स बेड्स होते, तो बहुत सस्ते भी और डिस्काउंट में भी होते। ये आपको लगभग 80 पाउंड से 200-300 पाउंड तक आपको बेड भी मिल जाते हैं, अच्छे मेटल्स के और वुडन फ्रेम के भी। तो आप देख सकते इधर ये बेड के साइड में रखने के लिए एक छोटा सा पोर्शन है, बुक सेल्स भी मिलते हैं इधर, तो बहुत से सामान मिलते हैं। तो आप इधर कभी भी आ सकते हैं और सामान ले सकते हैं। ये एक चैरिटी है तो इससे खरीद लेना भी ना आपको बहुत ही उपयोगी होता है। तो बहुत से इधर सामान सेंटर टेबल्स और बुक शेल्फ ही देखने को मिले थे हमको, तो ये तो आप देख ही सकते हैं। Up early, gonna rise with the sun. Step two, get some good, some food in you. Step three, think real hard about what you wanna be. Step four, fuck everybody, just do your thing. Wake up.